हम स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग में। कैसे हम सब, उम्मीद करती आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब अच्छे। एक मिनट, तो यहाँ पर आए हैं हमारे, मतलब क्या है, मुझे चाचा जी हुए और ये हैं दिल्ली पुलिस में, तो यहाँ पर ये दे रहे हैं। आप बताइए चाचा जी, आप क्या हैं? हाँ जाओ, आइए जाओ, आप भी जाओ। ये मैं आज दिल्ली से आया हुआ हूँ जी, और उत्तराखंड के हम मूल निवासी हैं जी। उत्तराखंड के द्वाराहाट ब्लॉक के अंदर ग्राम नाड़ फलवाड़ी पंतपुरा नाम से हमारा ग्राम पड़ता है। मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता हूँ, आया हूँ। ये हमारे भतीजे हैं रवि प्रकाश जी, ये जगदीश पंत जी हमारे भतीजे, इनके बच्चे हैं, आपकी मुझे कर रहे हैं। आज यहाँ आने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जिस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी जो चल रही है, जिनको अपने पूर्वजों के बारे में, अपने अतीत के बारे में या अपने गाँव के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो उसकी पहल को आगे करने के लिए मैंने परिवार की वंशावली बना रखी है, पंत परिवार की वंशावली बना रखी है, जिसमें हमने जो है अपने 9 पीढ़ियों को ले रखा है। यानी 9 पीढ़ियों से पहले वंशावली चली आ रही है। हमारा मूल तो हम पंत कहाँ से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, महाराष्ट्र के कोंकण से आए थे, फिर हम गंगोली हाट में गए, उबराड़ा गांव में गए, वहाँ से हम द्वाराहाट ब्लॉक के नाड़ फलवाड़ी में हम शिफ्ट हुए। पिछले 300 साल से हम वहाँ जो है निवास कर रहे हैं। उससे पिछले जो है दस दशक से, यानी कि 10वीं शताब्दी से हमारा जो पंत परिवार का अस्तित्व है वो महाराष्ट्र से है। तो उसी प्रकार से मैंने 9 पीढ़ी से इसको ले रखा हूँ, उसमें पूरा परिचय से लेकर यहाँ तक हमने इसको मैंने जो है एक हिसाब से मॉडर्नाइज कर रखा है, जिसमें जो है मॉडर्नाइज का मतलब इसमें जो है पुराना अपना धर्म कर्म से लेकर अपना सनातन धर्म से रिलेटेड लेकर अपने देश से रिलेटेड कर तमाम चीज़ों को मैंने इसमें जो है एक रूपरेखा तैयार करके इस तस्वीर के अंदर में उतारी है, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं इन बच्चों के बारे में पता लगे कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा मूल क्या है, हम किस गोत्र से, किस जाति से हैं, क्या वंशावली है, सनातन धर्म के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, हिंदू धर्म हमारा क्या करता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले मैंने भारत का नक्शा दर्शा रखा है। भारत का नक्शा हो गया, यहाँ का हमारे झंडा, तिरंगा झंडा नक्शा दर्शा रखा है। ये हमने अपने गुरुजी महाराज की मूर्ति इसमें दर्शा रखी है। और G20 भारत में जो G20 सम्मेलन का जो अब की बार सम्मेलन भारत में हुआ था, वो भी मैंने इसका लोगो दर्शा रखा है। ये दुनागिरी माता का मंदिर दर्शा रखा है। ये हमारे जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि 75वां अमृत महोत्सव दर्शा रखा है। सबसे बड़ी बात है कि 22 जनवरी 2024 को जो भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, वो भी हमने इसमें दर्शा रखा है। उसके साथ साथ में दर्शकों के तौर पर मैं खुद भैरव दत्त पंत हूँ, ये मेरा लड़का सुमित पंत है, जो हम दोनों बाप बेटों ने मिलकर इसे तैयार किया था। साथ में रवि प्रकाश पंत जी भी इसमें जो है इसमें भूमिका इनकी भी रही है, इनको भी यहाँ दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आज हम हल्द्वानी आने का, उत्तराखंड आने का प्रयास नहीं थे कि इसको आपके परिवार से इसको भेंट किया जाए, ताकि आप अपने पीढ़ियों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, सभी को और आस पास लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकें कि हर लोग अपनी वंशावली को किसी न किसी रूप से आकर अपने बच्चों को समझा पाए, बता पाए, ताकि हम अपने अतीत को ना भूलें, अपने राज्य को ना भूलें, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति जो हमारा एक आज जिस प्रकार से लोगों को इस प्रकार रुझान नहीं है, उसको लाने के लिए ये मेन उद्देश्य हमारा यही था। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के, शुभकामनाओं के साथ आपका जो है समय लिया और ये भेंट कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा काम है, मतलब इतने पुराने, मतलब हम लोग अपने पूर्वजों को पहचानेंगे इसमें, हमारे बच्चे पहचानेंगे, ये पहचानेंगे, हम पहचानेंगे। आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि जैसे मैंने इसमें एरो दे रखा है कि जैसे ये रवि प्रकाश के पिताजी कौन थे, उनका नाम इसमें मोहनचंद पंत जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनका डेजिग्नेशन भी मैंने दर्शा रखा है कि वो क्या काम करते थे। उस प्रकार की रवि प्रकाश की मम्मी, इनके दादाजी श्री त्रिलोचन पंत जी जो ज्योतिषाचार्य थे, उनको दर्शा रखा, उनके पिताजी को दर्शा रखा, उनके बड़े भाई थे। तो मूल कहाँ से, हमने यहाँ से गणपतिनाथ से हमारी जो है एक हमारे जो नवी पीढ़ी के श्री गणपतिनाथ जी हमारे हैं, उनको ले रखा है। शिवदेव जी हैं, उनके 4 पुत्र हैं। तो उसमें 4 पुत्रों के जो फैमिली परिवार डिवाइड करके पूरी इस तस्वीर के अंदर हमने अपना पूरा परिवार, पंत परिवार, नाड़ फलवाड़ी खगड़ी द्वाराहाट को हमने इसमें उतार रखा है। तो इसमें सब आ गए टोटल, पूरे जो हमारा परिवार 9 पीढ़ी से लेकर आज तक के यहाँ तक अपने बच्चे तक इसमें जो है समाये हुए हैं, यहाँ तक आगे वाले पीढ़ी को संभालने का जिम्मेदारी इनकी है। यहाँ तक हम आते हैं इसलिए अपने परिवार को, गांव को जोड़ने के लिए, हमारा जो है सनातन धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं, सबसे पहले जो हमारा देश हिंदुस्तान भारत, हमारा उत्तराखंड राज्य, हमारा सनातन धर्म, हमारा कर, हमारा भारद्वाज गोत्र, हम पंडित ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण हम लोग हैं, ऋग्वेद हमारा है, क्या है, तो ये सब कुछ इसके अंदर समा रखा है। मोटिवेशन करके इसको एक शॉर्ट टर्म हमने दे रखा है इसको। तो इसी भावनाओं के साथ भारत माता की जय करते हुए आने वाले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इंडिपेंडेंट डे आप सबको मुबारक हो, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री राम। और हम आप ही को भेंट
करते हैं, श्रीमती जी को ही भेंट करेंगे। आप आइए तो हम आपका सुनाम क्या वैसे? मेरा रुचि। जो रुचि जी को हम करते हैं ये हमारे ब्लॉग में करते हैं, ब्लॉग के माध्यम से ये और आगे जाएगा। हमें इस बात से और खुशी होगी कि इसका प्रचार प्रसार होगा और हमारे लोगों के प्रति इसके प्रति एक जिज्ञासा बनेगी। बाकी रुचि जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए। बस ये तो बहुत अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि ऐसा ना मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा कि अपने पूर्वज को हम पहचानेंगे इसके वंशावली की वजह से। तो हमें क्या पता, हम तो सिर्फ दादाजी तक जानते हैं, इसके आगे को ना हम जानते ना ये लोग जानते, तो इसके माध्यम से हम सबको जान पाएंगे। मतलब 10 पीढ़ी बहुत बड़ी बात है, 10 पीढ़ी। और आपने बहुत अच्छा काम किया। दसवीं शताब्दी से हमने इसको ले रखा है, दसवीं शताब्दी से जब से हमारा मूल महाराष्ट्र से समाज है, वो सारा कुछ इसमें समावेश है। आप एक बार इसको बारीकी से बैठ के पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे हाँ, मैं देखना चाहती हूँ मतलब क्या क्या है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सराहनीय कार्य है, ये इसीलिए फिर मैं कहा आप लोगों को सबको जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये लीजिए आप लोग। आपके काम से बहुत प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसको बनाने में 2 साल लगे मेरे ख्याल से। 2 साल लगे थे इसको इकट्ठा करने में, कोई मेटर नहीं मिल पाता ना। अब जैसे कि मुझे अपने पिताजी के दादा तक उम्मीद है, अब आपके दादाजी कौन थे या उनके दादाजी कौन थे, तो वो उनको इकट्ठा करना, फिर उनके नाम को जोड़ना, सही था गलत था क्या करते, तो सबको मैंने लिया है और साथ तमाम लेडीजों को भी लिया है। परिवार के जो लड़कियां शादी हुई उनको भी, जो हमारे परिवार बहुए हैं जो भी, उन सबको हमने इसमें ले रखा है। बच्चे जनरल नॉलेज के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं कि यार इनको कोई चीज देखनी है तो इसमें दिखा जाता है आराम से कि यार इसमें ये चीज है। अब आयुष का कल यही काम रहेगा, मेरे बड़े बेटे का ना, बिल्कुल सब पूरा पढ़ेगा, सबके दादाजी वगैरह पढ़ेगा, बहुत शौक है, तो कल इसका यही काम रहेगा। इसलिए रवि प्रकाश जी को भी इसमें दर्शा रखा था कि ये रहेंगे अपने, वो फोटो देखी है ना और जून करके ले ली। तो बहुत धन्यवाद आपका। अरे बस ये हम लोग ग्रुप भी चलाते हैं, पता है 200 आदमी हमारे गाँव को जुड़े हुए हैं, जैसे दिवाली से दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र कोई भी भारत के किसी भी कोने में रह रहा हूँ, सबको मैंने जोड़ा था। तो उसमें भी किसी भी कार्य, कोई किसी की हेल्प हो, सामाजिक कोई काम हो, किसी के कोई और इलाज हो या किसी भी प्रकार का काम के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसको एक ये रूप दे दिया ताकि लोगों को पता लगे हमारा जो बट वृक्ष है बहुत लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पे जा रहे हैं भैया और चाचा जी लोग, हम तो बोल रहे खाना खाके जाइए आप लोग, नहीं फिर अपन दोबारा फिर हम आपको मौका देंगे खाने पीने का। अच्छा, जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ इतने सारे हैं, इसमें इतने सारे लाए हैं चाचा जी। तो अभी आप गांव भी जाएंगे क्या देने? अभी मैं गांव जाऊंगा, पहले हमाले में दूंगा या मोटा हल्दू रामनगर बहुत सारे जो द्वारा, फिर द्वारा से गांव जाने का भी टूर लगेगा, तो गांव दूंगा मैं, तो किसी एक को हैंड ओवर करके इन सबको एक एक आदमी इंडिविजुअली में इसको जो है घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि हर आदमी के एक परिवार के सभी घर तक पहुँचा जाए, ये मेरा मिशन है। इसीलिए मैं आज हल्द्वानी में आया हूँ, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ जाऊँगा। अभी सबको मैं कॉपी बना के लाए, बहुत सारे उसमें अभी और आधे बांट भी चुके होंगे चाचा जी, दिल्ली में दे चुके हैं। अच्छा 25-30 पीस है, अच्छा बेटे 25-30 पीस में दिल्ली में दे चुका हूँ। अच्छा अच्छा, घर घर और इसका भी दिल्ली में भाग, वहाँ चंडीगढ़ में हमारी उत्तराखंड कॉलोनी भागवत हुआ था, भागवत गुनागिरी के पंडित जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया था। अच्छा, उसका विमोचन भी किया था, तो विमोचन से उनका होने के बाद दिल्ली में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लगभग। अच्छा, आज हल्द्वानी का टूर है उत्तराखंड देवभूमि में, और ये सावन मास के जो है पवित्र महीने में हम हल्द्वानी का भ्रमण कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है, प्रणाम। ठीक है चाचा जी, आइएगा कभी, हाँ आएंगे आएंगे जी जी। ठीक है चाचा, प्रणाम, बाय कर दो, बाय कर दो, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी बज गया है रात का 9 और चाचा लोग आए थे ना, मतलब हमारे गांव के ही हैं, तो वो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली पुलिस में हैं चाचा जी, और भैया भी आए थे, भैया जो यहाँ पे भैया बैठे थे ना वो मेरे चाचा ससुर जी हुए और वो भी चाचा ही हुए, मतलब तो ये लोग जानते हैं ठीक रहे। तो वो ना ये पूरी वंशावली देखे गए, यानी कि हमारे पूरे पूर्वज की मतलब 10 पीढ़ियों की इसमें सारी वंशावली, सबके नाम यहाँ पे दिए हुए, इसमें ये वाले इस वाले में हमारा नाम भी है, मतलब इसमें हमारी फैमिली का नाम है सबका, मेरे देवर मतलब मेरे हस्बैंड का नाम है, मेरे देवर का नाम है, पापा जी का नाम है, मतलब मेरे ससुर जी का नाम है और दादा ससुर जी का भी नाम है, बाकी
सबके नाम है यहाँ पर, तो सारी वंशावली, और यहाँ पे ना चाचा जी की फोटो है और उनके बेटे की फोटो है, और यहाँ पे इनकी फोटो है यानी कि मेरे हस्बैंड की फोटो है। तो ये सब पूरे मतलब 10 पीढ़ियों का वो बना के रखा है। मतलब एक चीज सोचना, चाचा जी बोले थे कि मैं 2-3 साल से ये चीज इसका काम कर रहे थे। सोचो ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी भी निभा रहे हैं एक तरफ से ये काम भी कर रहे, तो कितनी बड़ी बात है। तो उनने गूगल में भी डाल रखा है, मतलब बोले थे कुछ टाइम में, मतलब जैसे गूगल में कोई सर्च करेगा ना तो ये आ जाएगा। तो इसमें लिखा है अपना परिवार, पंत परिवार वंशावली, वंशावली है ये, सबके नाम वो करके, और हमारे बच्चों का भी इसमें नाम है। तो इतना मतलब सराहने काम 3 साल से लगे थे, बोले थे मेरे बेटे भी लगे थे साथ में, उनके बेटे भी करते, चाचा जी के बेटे हैं, तो ये दोनों मिलकर मतलब इतना सराहने काम करते हैं। और बहुत सारी उनने वंशावली की जो ये तस्वीर है ये सब मतलब बहुत जगह दे भी दी है, और बहुत सारी अपनी गाड़ियों पे भी रखी हुई थी जिसका मैंने ब्लॉग बना रहा है। बाकी अगर आपको इसका वो चाहिए होगा तो गूगल में भी सर्च मारना, अपना परिवार पंत परिवार वंशावली ग्राम पंत खोला फलवाड़ी नाड़ खगरेटी द्वाराहाट उत्तराखंड। तो जो मेरे ससुराल का गांव है ना वो द्वाराहाट में है, द्वाराहाट बहुत मतलब मेरे को तो इतना अच्छा लगा नहीं। तो अभी शाम को अचानक से आए वो ये, हाँ चाचा जी लोग शाम को अचानक से आए, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक भी बता दूँ, और आप लोग भी अगर इन चीज को ढूंढना चाहे तो गूगल में सर्च मारना। तो मिलते हैं आपको। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय। चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी, 2-3 साल यहाँ नहीं होता क्योंकि ऑन ड्यूटी में रह के कोई इंसान इतना नेक काम करे तो बहुत अच्छी बात, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इस चीज के लिए मैं चाचा जी को और उनके बेटे को धन्यवाद करूंगी।